हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स ऑफ क्लास 5th ईवीएस। लुक एट द पिक्चर्स एंड पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। आपको जो नीचे पिक्चर्स दे रखे हैं उन्हें केयरफुली आपको देखना है और देखना है कि किस तरीके से जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स अराइव दे ब्रस्ट एंड द सीड्स आर थ्रो आउट। हैव यू एवर हियर देयर साउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जो सोयाबीन की फलियाँ होती है जब वो पक जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाती है और उनके सीड्स जो रहते हैं, बीज जो रहते हैं, वो गिर जाते हैं। क्या आपने कभी उनका साउंड सुना है? थिंक वाट वुड हैपन इफ सीड्स डू नॉट स्प्रेड। सोचिए कि कोई जो सीड्स होता है वो स्प्रेड ना हो और वो एक ही जगह पे हो तो क्या होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें सीड्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे स्प्रेड होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे पहुंच जाते हैं। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग ऑल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने ह्यूमन बींग को भी आपकी लिस्ट में रखा है? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो ह्यूमन बींग होता है वो भी एक सीड को दूसरी जगह पहुंचा सकता है, नॉइंगली एंड अननॉइंगली। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो भी पौधे जो बीज रहता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझकर भी ले जा सकते हैं, अनजाने में भी ले जा सकते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। हम क्या करते हैं, सीड्स जो पौधे के जो सीड्स होते हैं उन्हें ले जाते हैं, अगर हमें कोई ब्यूटीफुल लगता है या कोई यूज़फुल लगता है तो हम अपने गार्डन में उसे ग्रो करने के लिए ले जा सकते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। फिर क्या होता है कि जो प्लांट के सीड्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। मैनी ईयर्स लेटर्स पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो From where chilies comes to our country? पहले लोगों को पता नहीं होता था कि ये plants एक ही जगह पे उगते हैं, ये कहीं और से भी लाए जा सकते हैं। जैसे जो chili होती है उसे भी हमारी country में लाया गया है। These were brought to India by traders coming from South Africa. Today we can not think of food without chili. Chili जो होती है, मिर्च जो होती है, वो South Africa के जो traders है, जो व्यापारी है, उनके द्वारा भारत में लाई गई है और अब जो हम खाना बनाते हैं वो विदाउट चिली से हम नहीं बनाते हैं, मतलब चिली की ज़रूरत उसमें होती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सीड्स जो होते हैं उनके स्प्राउट्स भी बनते हैं, उन्हें गमलों में भी उगाया जाता है जिनसे पौधा बनता है, पौधों से फिर वापस से फल आते हैं। जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं हम उनका, मसालों में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में, अलग अलग जगह पर उनका यूज़ किया जाता है। सीड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हमने सीड के बारे में आज जाना। थैंक यू।